की है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपका 9 से 10 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में वेलकम करती हूँ। तो आज देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या हुआ नया, क्या स्पोर्ट्स में नया है और क्या इकोनॉमिक में उतार चढ़ाव आए हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेंस की सीरीज़ हमारे चैनल पे चलाई जा रही है, वो भी हिंदी में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज पे मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो जैसा कि अगर आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, बलराम योजना उड़ीसा सरकार की है, क्योंकि सुभद्रा कृष्ण और बलराम की जो जगन्नाथपुरी की झांकी है वहीं से निकाली जाती है, तो इसीलिए उड़ीसा सरकार की योजना। इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों की इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को। मैं यहाँ उड़ीसा की बात कर रही हूँ। उड़ीसा की स्थापना और भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मोहम्मद रफीक। लोकसभा में यहाँ 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो महा मतलब महाराष्ट्र, आप ऐसे याद रखेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है ये जॉब पोर्टल। राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें। नेशनल पार्क हैं बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तनसा नेशनल पार्क। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। तो ये जीके के क्वेश्चन मैं साथ में इसलिए देती हूँ कि मेन जो चीज़ें हैं आपको साथ के साथ अगर आप देखते जाएंगे तो आपको लर्न होती जाएंगी। इसलिए एक एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको बस देख के सब लर्न हो जाए, प्लस PDF तो प्रोवाइड करवाऊँगी इसका। हाल ही में IFSCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं इंजेती श्रीनिवास। डिस्क्रिप्शन के अनुसार 1983 के बैच के IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब IFSCA की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। तो मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को इस अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीन कॉन्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हाल ही में नियुक्त होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये हुए हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। जीन कॉन्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा की गई और जीन कॉन्टेक्स ने पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप की जगह ली है, जिन्होंने सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। तो राष्ट्रपति भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन डाइट शुरू की है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल है अनिल बैजल और पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय। लोकसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है हमारी पर्यटन नगरी मध्य प्रदेश ने।
यह भी अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें इनकी जीके की, तो इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जिसमें से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क इसमें प्रमुख हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष पर ओएफई के 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ये की है इजराइल ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए इजरायली जासूस उपग्रह के बाद सफल पहला परीक्षण है। और ओफेक 16 के बारे में बता दें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है, जो कि ब्लू एंड वाइट तकनीक सहित उन्नत तकनीकों से लैस है, जिसका पेलोड रक्षा उपक्रम एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है यरूशलम, मुद्रा है इसकी इजराइल शेकेल, राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है यहाँ पर 34th पोजीशन पे। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34 पोजीशन पे है, जबकि चीन 32, थाईलैंड 33, इंडोनेशिया 40 और फिलीपींस 44 और वियतनाम 56 स्थान पे रहा है। भारत कि 2018 में रैंकिंग 35 थी, तो 18 की रैंकिंग की कंपैरिजन में एक स्थान कम हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन है? तो ये हैं हरीश शाह। हरीश शाह का निधन हो गया है, जो कि बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, और उनकी मुख्य फिल्में थी काला सोना, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम, धन दौलत, जल जला, जाल द ट्रैप और अनगिनत फिल्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन मिशन लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो कार्बन मिशन भारतीय रेलवे का है, पहली बार ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। और ये मिशन कब तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है? ये है 2030 तक, जिसके लिए अपने दशकों से खाली पड़ी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने की उसने घोषणा की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर भारतीय रेलवे काम कर रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा लिया है? तो ये काम अमेरिका ने किया था, क्योंकि घोषणा बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन औपचारिक रूप से अब उसने अपने आप को हटा लिया है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा। डेट भी यहाँ आप मेंशन है, तो आप याद रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ के बाजार की हैसियत वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो एज ऑब्वियस ये पहली कंपनी भारत की बन गई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी जो कीमत है या हैसियत है 11.5 लाख करोड़ है, भारत की पहली कंपनी बन गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस वर्ष जून में 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि हासिल की है। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से कितने चीनी ऐप हटा दिए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैं 4500 गेम्स ऐप। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से 4500 गेम्स ऐप हटा दिए हैं। चीनी सरकार द्वारा 1 जुलाई से जारी की गई इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल को अपने चीनी ऐप स्टोर से 4500 से ज़्यादा गेम्स हटाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो अगर आप लोगों को पता हो रीवा कहाँ पड़ता है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने
नंतास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमय आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। तो ये किया है ईरान देश ने, ईरान ने नंतास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमय आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जिससे एक कारखाने को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि आग के कारण का पता लगाया जा चुका है और उचित समय पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया गया है? तो ये है, ये लाए हैं कुवैत देश ने, कुवैत सरकार ने, कुवैत देश ने विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया है और इसके मंजूर होने के बाद 8 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। अप्रवासी कोटा विधेयक में खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में यहाँ कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका देश में से किस देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो ये है बोत्सवाना देश। पूरे अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी बोत्सवाना में ही हैं और वर्ष 2014 में इस देश को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, और कोई भी डाउट है, किसी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मैं जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।